वेलकम। पार्ट वन में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इंटीग्रेशन वगैरह कर लिया था और पीएच का वैल्यू ये हो गया था। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे थे, क्वेश्चन डिस्कस में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था 375 mm² मिनिमम एसटी रिक्वायर्ड होता है जो हमारा सर्कमस्टांस में सर्कमफ्रेंशियल में, ठीक। और ये डायरेक्शन स्पेसिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पेसिंग निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि 8 mm का आप पाई बाई फोर इंटू 8 का स्क्वायर कीजिए, वहाँ से आएगा आपका आएगा 50.26। तो हम लोगों ने 50 लिया इंटू 1000 / 3, जो एरिया हमारा आया 375, ठीक है। यहाँ से निकल के हमारा 133.33 हम लोगों ने 130 कंसीडर किया, ठीक है। उसके बाद ये वर्टिकल एएसटी 0.2 जो आईएस कोड में हमारा दिया हुआ है 0.2 इंटू ग्रॉस एरिया, तो 1000 बी का वैल्यू और डी का वैल्यू 150 जो हम लोगों ने सपोज किया था 15 सेंटीमीटर वो हमारा आ गया कितना 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया था 300 mm², ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग फॉर 10 mm डायमीटर, 10 mm के लिए आपको जब कैलकुलेट कीजिएगा एक स्टील के लिए एक रेंसफोर्समेंट बार के लिए, तो पाई बाई फोर ध्यान से सुनिएगा, पाई बाई फोर इंटू 10 का स्क्वायर, यहाँ से कैलकुलेट 79 आता है और 1000 बाई स्पेसिंग एरिया स्टील का 300, ये कैलकुलेट किया जाएगा 233 mm, ठीक। हम लोग ये कितना आ रहा है 225 से ज़्यादा आ रहा है, हम लोग इससे क्या करते हैं कि ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग कितना करेंगे 225। तो मैक्सिमम हम लोग ने क्या किया 225 mm के लिए जो कि हमारा आई स्कूल में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इतना वर्टिकल रेंसफोर्समेंट और चेकिंग फॉर द टेंसाइल स्ट्रेस, अब हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेस चेक करना है, तो मैक्सिमम हुप टेंशन, अब देखिए वहाँ पे ग्राफ में जो टेबल हम लोग बनाया है उस टेबल में देखिए आप कितना आया है, यहाँ पे इस टेबल में देखिए 78.34, ठीक, हुप स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया मैक्सिमम हुप टेंशन कितना 78.34, उसके बाद एएसटी प्रोवाइडेड 8 mm, कितना मिनट लेंगे, अब जो हम लोग इतना प्रोवाइड कर रहे हैं तो 130 स्पेस ले रहे हैं, तो 130 जब स्पेस लिए एएसटी कितना देंगे, कितना देना पड़ेगा 385 mm², ठीक है। उसके बाद अब ये डायरेक्ट टेंशन में स्ट्रेस कितना होगा, डायरेक्ट टेंशन में स्ट्रेस इन ए कंक्रीट, ठीक है, टी वाई 150 इंटू 100 प्लस एम इंटू सिग्मा एस टी, ठीक है। अब कहिएगा ये फॉर्मूला कहाँ से है, टी इज इक्वल टू सिग्मा, आप इसको गुणा कीजिए इससे, ठीक। और ये एरिया आप कितना है स्टील का है, स्टील का एरिया को आपको कंक्रीट में एरिया में बदलने के लिए मॉडुलर रेशियोस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टी का वैल्यू को पता है इंटू 1000 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 0.5 newton/mm², ये जो है कितना है परमिसिबल स्ट्रेस से कम है, यानी कि सही है, परमिसिबल स्ट्रेस हमारा 1.33 आता है जो कि उससे कम होना चाहिए, तो सही है, ओके। और नेक्स्ट आया, अब हम लोग किसका डिजाइन करना है, डिजाइन ऑफ हॉपर बॉटम, हॉपर बॉटम का डिजाइन जो कि ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट, ठीक है, इस पार्ट का हम लोग को डिजाइन करना है। तो इस पार्ट का डिजाइन करने के लिए इस पे कौन कौन से लोड लग रहे हैं वो उसको आप देखना पड़ेगा, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है इसका, जो भी सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट है इसका, ये इस पार्ट से सपोर्ट है और ये इस पार्ट से सपोर्ट है, तो इसके लिए हम लोग को इसमें टेंशन क्रिएट होगा और इसका जितना भी वेट होगा वो सारा वेट इस पे आके लगेगा,
एक हॉरिजेंटल लगेगा, एक वर्टिकल लगेगा, ये ऐसे हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल ऐसे लगेगा हमारा, ठीक है। इस अगर इस पॉइंट को हमने कैलकुलेट किया तो उसके बाद हमारा है, चलिए अब स्लैब का थिकनेस 150 मान के चल रहे हैं, लाइनिंग जो हम लोग फिनिशिंग करते हैं उसका 30 mm, तो टोटल थिकनेस हमारा 180 mm हो गया। पी वी वर्टिकल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, पी वी ये हमारा पी वी एच यानी कि वर्टिकल प्रेशर एट डेप्थ एट द हाइट एच पे, ठीक है, और पी एच बाई एन ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर पी बाई एन, ठीक है, और पी एच हम लोग निकाल चुके हैं पहले, पी एच हम लोग निकाल चुका है, देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए 26.11 आ गया, ठीक। उसके बाद 0.4 एन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है, यहाँ से हमारा क्या आया वर्टिकल प्रेशर एट द हाइट एच पे 20 मीटर पे 65.28, ओके। पी वी वर्टिकल प्रेशर एट द मिड हाइट ऑफ द हॉपर बॉटम, अब हॉपर बॉटम जो हमारा है ये इसका हाइट कितना है 2.5 हम लोगों ने सपोज किया है, ठीक। इसका मिड पॉइंट पे हम लोगों ने हमको निकालना है कितना, तो 6.65.28 प्लस 1. ये पूरा डेप्थ हमारा 2.5 है तो इसका हाफ कितना होगा 1.25 इंटू डेंसिटी जो कि हमारा वीट का दिया हुआ है, वीट का 8.5 किलो न्यूटन में लिया है और क्वेश्चन में केजी में दिया हुआ था, ठीक। यहाँ से है 75.91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो टोटल डाउनवर्ड लोड ऑन द हॉपर बॉटम कितना हो जाएगा, अब ये पर यूनिट एरिया पे है तो टोटल एरिया से हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये हो गया किसके लिए, इसके लिए, इस एरिया के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा है 1/3 π 3 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 0.5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 8.8। अब आप पूछिएगा कि सर ये कहाँ से आया, बहुत बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, बस इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये एक बन रहा है क्या, फर्स्ट टर्म बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा कितना था 6 मीटर का यहाँ से यहाँ तक, रेडियस इसका कितना आ जाएगा 3 मीटर का, और ये 3 मीटर का रेडियस बनेगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए 1/3 π r² h होता है, और उसके बाद ये हम लोगों को माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर था, 1 मीटर का हाफ किया तो कितना है हाफ इंटू स्क्वायर इंटू 0.5 और 8.5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ये पार्ट किस लिए है, आप ये कहिएगा कि सर ये पार्ट बताइए, ये पार्ट जो आपका है इंक्लाइन के लिए, जो ये इंक्लाइन जो लग रहा है इसे इसका वेट है इंक्लाइन पार्ट का, तो ये इंक्लाइन पार्ट आपका चारों तरफ से होगा ना, ये जो हमारा इंक्लाइन पार्ट है वो आपका चारों तरफ से लगेगा, ये एक सर्कुलर है ना, आपको तो सिर्फ एक तरफ से दिख रहा है लेकिन ये चारों तरफ से, इसका थिकनेस भी है, इसका थिकनेस कितना है 1.0.18 जो कि 180 mm का माने थे हम लोग, और कंक्रीट का जो यूनिट वेट है 25, ठीक है, और ये 1.25 इंटू √2 ये कहाँ से है पाई, ये चलिए आपको हमको ये आपको समझाता हूँ कि इसका जो मिड हाइट है यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, इसका मिड हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस दिस कितना हो जाएगा 6 और 7 डिवाइडेड बाय 2, ओके, प्लस
ये जो हमारा हुआ इंक्लाइन का, ये तो हॉरिजेंटल ले लिया था हमने, उसके बाद इंक्लाइन का है ये 0.18 रूट अंडर 2 इंटू 2.5 जो हाइट है हमारा 2.5, ठीक है। उसके बाद क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। वो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको इतना आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो हमारा वेट, वेट हमारा कितना आ गया WT, ये हमारा समेशन करने के बाद ये आ गया। उसके बाद जो हमारा है टेंशन, अब ये जो हॉपर बटन है यहाँ पे टेंशन लगेगा, तो टेंशन, टेंशन का पहले ये, अब इसको पढ़ने से पहले आपको बंकर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बंकर में मैंने बहुत डिटेल में बताया हूँ कि WT इंटू कॉस कॉसेक थीटा कहाँ से आया। चलिए एक लाइन में, यहाँ एक लाइन में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये डिटेल है, इसका नॉर्मल निकालते हैं फिर उसका कंपोनेंट लेते हैं उसके बाद इसको करते हैं। देखिए ये जो टी है, ये टी थीटा इधर लग रहा है, लेकिन इधर आपको इसको कंपोनेंट तोड़िएगा, इधर इसका एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा होगा, इधर की जगह तो टी साइन थीटा होगा, यहाँ पे एंगल बना के ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा टी ऊपर में लगेगा, इस बेड के ऊपर में लगेगा टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा। यहाँ से देखिए ये ऊपर जा रहा है, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिए, ठीक, टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू टू होगा, और टी साइन थीटा को हम साइन थीटा को डिवाइड में करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर ऊपर में करेंगे तो क्या होगा कॉसेक थीटा होगा, तो डब्ल्यू टी इंटू कॉसेक थीटा, चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कितना आया यहाँ से 3000। उसके बाद टेंशन पर मीटर रन, पर मीटर रन क्या है देख लीजिए आप, बोलिए ये जो हमने निकाला है ये पूरे ऑल ओवर में निकाला है, पूरा ये सर्कुलर एरिया में निकाला है, ठीक। पर मीटर में निकालने के लिए जो हमारा एवरेज जो लेंथ है, एवरेज पाई इंटू डी, टू पाई आर होता है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट मैंने डी का एवरेज ले लिया है, हॉपर बॉटम का टॉप और बॉटम का एवरेज, ठीक, एवरेज पेरीमीटर लेकर मैंने इसको कैलकुलेट किया है, तो टू कितना आया इतना मीटर था। ए एस टी जो रिक्वायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइन हॉपर बॉटम, यहाँ से ए एस टी इंटू 1000 इंटू सिग्मा ए एस टी, ठीक है, एस टी निकल गया। उसके बाद स्पेसिंग निकाल लीजिए, फिर 16 का कैलकुलेट कीजिए, पाई बाई 4 इंटू 16 का स्क्वायर इंटू 1000 बाई एस टी, ठीक है, स्पेसिंग निकल गया हमारा। उसके बाद प्रोवाइड कर दिए ये, उसके बाद क्या है पी वी एट द मिड स्पेन ऑफ द हॉपर बॉटम, पी वी एट द मिड स्पेन ऑफ द हॉपर बॉटम, यहाँ से ये कैलकुलेट हमने ऑलरेडी पहले कर चुका है, पी वी एट द मिड स्पेन ऑफ द हॉपर बॉटम, ठीक, 75.81। ये कैसे कैलकुलेट हुआ हमारा हॉपर बॉटम पे 75 इंटू 91, पी वी एट द मिड स्पेन ऑफ द हॉपर बॉटम कहाँ गया 75, ठीक है, हाँ यही तो समझा लेते, इसके नीचे था, हाँ ये कितना हो गया पी वी 75.91। ये वाली वैल्यू हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट कर चुका था, पी वी एट द मिड स्पेन ऑफ द हॉपर बॉटम 75.81, ठीक है। उसके बाद पी एच, पी एच का वैल्यू और एन इज इक्वल टू क्या हम लोग कैलकुलेट किए थे, देखिए पी एच इक्वल टू एट द हाइट क्या हो जाएगा हॉपर बॉटम 0.5 इंटू पी वी, पी वी पी एच बाई पी वी इज इक्वल टू एन, वहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया इसको पीएच, पीएच पता चल गया। अब देखिए ये पीएच जो है हमारा वर्टिकल लग रहा है,
ये हॉरिजेंटल हुआ, और अगर इसके परपेंडिकुलर लिखा है इंक्लाइन नॉर्मल टू द प्लेन निकालना है, क्या हो जाएगा नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के हमको नॉर्मल निकालना है, इस प्लेन के हमको नॉर्मल निकालना है, ठीक है। तो सपोज किया मैंने कि ये इंक्लाइन है, ठीक है, ये इस पे हमको नॉर्मल निकालना, देखिए ठीक, एक वर्टिकल लग रहा था ऊपर से, ये भटकल आपको पता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ठीक, ये पी भी और ये पी एच, अब नॉर्मल पी एन निकालना है, पी एन का फॉर्मूला होता है पी बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी एच इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने बंकर में प्रूव किया हूँ, ठीक। उसके बाद पी बी इजकल टू, पी बी पता है हमको, पी एच पता है, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 45, अब थीटा का वैल्यू 45 कहाँ से आया, 45 देखिए कैसे आया, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इस फिगर को आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये हमारा 6 मीटर है, ठीक, ये हमारा 1 मीटर है, ये 6 मीटर, ये 1 मीटर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ पे, ठीक, 1 मीटर 1 मीटर इधर हो गया, इधर कितना बचेगा, ये और ये मिलाकर 5 मीटर, यानी कि 2.5 इधर और 2.5 इधर, तो 2.5 यहाँ बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 2.5, उसके बाद नीचे हमारा 2.5 जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ये 2.5 / 2.5 ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आ गया यहाँ से 45, उसके बाद ठीक है, यहाँ पे 45 पुट कीजिए, वहाँ से आपका पी ए निकल जाएगा 53.1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नॉर्मल, टोटल नॉर्मल प्रेशर, टोटल नॉर्मल प्रेशर कहने का मतलब यहाँ है पी एन तो आपने ये निकाला है, ये उसके बाद जो हमारा सेल्फ वेट जो है, ये इंक्लाइन जो हमारा हॉपर बॉटम है, हॉपर बॉटम का इंक्लाइन वेट होगा ना, तो इसका वेट डब्लू टी इधर लग रहा है, लेकिन तो इसका अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसका कंपोनेंट लीजिए इस प्लेन के अलोंग, कितना होता है डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, तो डब्ल्यू टी इंटू कॉस थीटा जो हमारा डब्ल्यू टी और डब्ल्यू डी एक ही है, वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डब्ल्यू कॉस थीटा हो गया, और ये प्लेन में जो हमारा पी एन अभी निकाले हैं, ठीक, तो इतना प्लस डब्ल्यू डी क्या आ जाएगा, ये 25 × 0.15 हमारा जो डेप्थ है, यूनिट विड्थ के लिए निकालते हैं, ठीक, तो ये यूनिट वेट है, और कॉस 45 यहाँ से कितना है 56.3, ठीक है। और मिड डायमीटर, मिड डायमीटर कितना हो जाएगा, टॉप में था 6 और बॉटम में था 1 डिवाइडेड बाई, ये हमारा हॉपर हुक टेंशन इन द हॉपर बॉटम 56.3.2, ठीक है, एवरेज नहीं सॉरी पी एच इंटू डी वाई टू, मीन डायमीटर का ये हो गया,
यहाँ से इतना उसका एएसटी रिक्वायर्ड, ये जो हमारा यह है 98 इंटू 1000 बाई सिग्मा एसटी, ठीक है। स्पेसिंग निकाल लिया हमने, ये कैलकुलेट करना मैंने अब दो तीन बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक। और ये इसका भी कैलकुलेट कीजिए 10 एम का, तो 180 आ रहा है, ठीक है। हमने ये जी इसी का है प्रोवाइड किया मैंने 184 फोर आया, जिसको मैंने 180 से सेंटर टू सेंटर कर दिया, ठीक है। और ये आया आपका फिगर, ये फिगर बनाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ये अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो मार्क्स काटना नेसेसरी है कि आपका मार्क्स कट जाएगा। अब देखिए आपने बोला होगा सर ये कॉलम का डिज़ाइन आपने नहीं किया, ये कॉलम का डिज़ाइन आपको कुछ नहीं करना है, बस बस 300 mm डिस्टेंस लेकर 300 इधर से और 300 और अपॉन बाय 300, यानी कि 12 मिनिमम आपको 12 mm बार वर्टिकल में लेते हैं, इसलिए 12 mm लेकर 12 mm डायमीटर का 4 बार अब लेकर इसको सिर्फ कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसका भी और सिमिलरली यहाँ पे नीचे में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये है इसका डिजाइनिंग जो आपने किया है, ये देखिए ये वर्टिकल वॉल है, ये क्या हमारा हम साइड से देख रहे हैं, ये हमारा वर्टिकल वॉल हुआ, ये सब क्या हुआ, ये हमारा सर्कमफेरेंशियल जो हॉरिजॉन्टल था वो, तो वर्टिकल कितना 10 mm पर 225 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और ये जो हमारा सर्कमफेरेंशियल है 85 इंटू 130 mm पर, ठीक है। और ये जो हमारा विड्थ जो है 150 पे, ओके। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू। Thank you.